हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि शामीर जो के फजल बख्श बनकर शिबला के घर पर रह रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी और शिबला की अंडरस्टैंडिंग होती चली जा रही है और शिबला जो के शुरू में उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी और अपने घर में उसकी एंट्री बिल्कुल भी उसको अच्छी नहीं लग रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मायल होती चली जा रही है। उसको पता लग गया है कि ये एक मासूम सा आदमी है, बेजरर सा शख्स है। जब वो सब्जी लेने के लिए बैठ जाती है तो फजल बख्श से कहती है कि बहुत महंगाई हो चुकी है, अब देखो घर का राशन ही इतना महंगा मिलता है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं। फिर वो उसको फजल बख्श की रेड़ी पर ले जाता है तो वहाँ पर जाकर खुद ही उसे कहता है कि ये तोरी कितने की है, 8 रुपए की है ना। तो फजल बख्श उसे कहता है भले, फजल बख्श से मुराद असली फजल बख्श जिसका इसने नाम चुराया हुआ है। साथ ही शिबरक एकदम कहती है इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये प्याज 2 रुपए की ले जाऊं। तो कहता है भले। तब वो गुस्से से एकदम फजल बख्श की तरफ यानी शामीर की तरफ देखती है। उसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, वो साथ साथ चाय पी रहे होते हैं। तो शिबरा उसे कहती है कि फजल बख्श तुम एक बहुत ही अच्छे शख्स हो। और शामीर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी में और शर्माते हुए अपना सर अपनी बाजू पर रख लेता है। दूसरी तरफ वो अपने कमरे में सुबह सुबह ब्रश करने के लिए छत पर खड़ा हुआ है तो नीचे शिबरा को किताब पढ़ रही है। तो उसकी नजर जब उस पर पड़ती है तो वो उसको इशारे से कहती है कि अंदर जाओ। तब शामीर को बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि ये मैं क्या कर रहा था। उधर ऑफिस में भी एक अजीब सीन हो चुका है। ऑफिस का जो हेड क्लर्क है उसको पता चल चुका है कि फजल बख्श यानी कि शामीर सलमान साहब की बेटी को पसंद करता है और उससे मोहब्बत करता है। उस वजह से वो यहाँ पर आया हुआ है और अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाह रहा है। लेकिन शामीर यहाँ पर कोई ना कोई बहाना करके कोई ना कोई नई कहानी सुनाकर उसका ये शक दूर कर देगा। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।